हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरी अपने यहाँ पैसा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला टेबल रनर बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सुंदर है। येलो कलर में बनेगा। हमने इसे दो कलर बनाया, आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, बट दो कलर में बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए तब हम इसको बनाकर बताते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए, देखिए इसका लंबाई है 39.5 इंच। सारा 39.5 इंच देखिए यहाँ पे। और चौड़ाई इसका 29.5 इंच होगा। देखिए हम आपको नाप के बता देते हैं इसको। देखिए, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यह कैसे बनेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। यह जो डिजाइन का बीच का हिस्सा है, चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम रेड वाले ऊन से चेन बनाएंगे। देखिए इसको पहला चेन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम गांठ लगाए। चलिए अब हम यहाँ पे 21 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बना लिए। हमको 21 चेन बनाना है। देखिए यहाँ पे हम जो बनाए हैं ये टेबल रनर, इसमें हम 66 चेन डाले हैं, यानी 66। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा बनाना है तो इतना 66 चेन डाल सकते हैं। हम इसको बस छोटा सा बनाकर दिखाएंगे आप लोग को समझाने के लिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 21 चेन ही डालेंगे। देखिए 18 मेरा चेन बन गया था, अब 3 और चेन डाल देंगे, 19, 20, 21। देखिए 21 चेन मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके 5 चेन छोड़ के हम 6ठे चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 ऊपर से काउंट कर लेंगे, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 छोड़ के 6ठे चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो डबल क्रोशिया हो गया, यानी इसी चेन में हमको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक तो बना लिए हैं, अब 2 और बनाएंगे इसी चेन में। दूसरा, और एक तीसरा। अब हम फिर 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हम बना लिए हैं उसके बाद हम 2 चेन छोड़ देंगे, 1, 2। अब ये तीसरे ये वाले चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 2,
अरे पेंट, फिर हम दो टू चेन छोड़ के उसके अगले वाले चेन में तीन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पे, ऐसे ही पूरा लाइन में हम ऐसे ही बनाएंगे। चलिए पूरा लाइन हम ऐसे ही बना के फिर हम आपसे मिलते हैं। दो टू चेन छोड़ के तीसरे चेन में हमको तीन टू डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए ये वाला बना के अंतिम में हम आपको मिलते हैं। देखिए हम बनाते बनाते इसके अंतिम छोर पे पहुंच गए, यानी यहाँ से हमें स्टार्ट किए थे, और हर दो चेन के बाद हम तीसरे चेन में तीन तीन टू डबल क्रोशिया बनाए हैं, और शुरू में पाँच टू चेन छोड़ के छठे चेन में बनाए थे। अब चलिए अब अंतिम में आ गया जहाँ पे तीन टू चेन है, यानी दो टू चेन छोड़ के तीसरे चेन में हम एक टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सबसे अंतिम वाले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक टू। देखिए सबसे अंतिम वाले में एक ही टू डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे तीन टू चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको हम एक ठो डबल क्रोशिया मानेंगे। और ये वाला जहाँ पे हम एक ठो डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर वाला चेन और डबल क्रोशिया वाला चेन चेन लूप कहिए, इसमें से हम क्या करेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे दो ठो, यहीं पे एक ठो हो गया और एक टू, और तो ऐसे मेरा यहाँ पे तीन टू डबल क्रोशिया हो जाएगा। तीन टू चेन बनाए थे उसको एक टू डबल क्रोशिया मानेंगे, और दो टू और भी बना लिए डबल क्रोशिया। इस तरह मेरा तीन टू डबल क्रोशिया तैयार हो गया। जो ये नीचे का लाइन दिख रहा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे लाइन में, ये बस बेस के लिए। अब हम मेरा पहला राउंड शुरू हो रहा है। अब देखिए अब इसके बीच में हम तीन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, तभी मेरा कोना निकलेगा। अब यहाँ पे तीन टू चेन बनाएंगे एक दो तीन, अब बीच में तीन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो एक टू जो डबल क्रोशिया बनाए थे उसी में एक हम बनाएंगे, उसके बीच बीच में तीन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन टू डबल क्रोशिया हो गया, अब तीन टू चेन बनाएंगे फिर से एक दो तीन, और फिर अब यहाँ पे तीन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, तब मेरा ये कोना निकलेगा। एक ठो दो ठो और तीन ठो, देखिए ये तीन साइड से हम तीन तीन डबल क्रोशिया बना लिए, तो मेरा ये कोना निकल जाएगा। अब हम चेन नहीं बनाएंगे, अब जो ये जहाँ जहाँ होल दिख रहा है वहाँ वहाँ पे हम तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह हम दूसरे साइड आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो होल दिख रहा है यहाँ पे हम तीन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ठो दो अरे तीन ठो, अब हम बीच में कहीं भी चेन नहीं बनाएंगे, केवल हम कोना पे ही तीन तीन ठो चेन बनाएंगे बस, और बाकी हम बिना चेन का ही बनाते चले। अब ऐसे ही इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे, हर होल में तीन तीन टू डबल क्रोशिया बना के। चलिए तीन तीन डबल क्रोशिया बना के फिर हम आपसे कोना पे मिलते हैं। यहाँ पे बनाते बनाते इसके अंतिम छोर पे आ जाए, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक बना लिए। अब जो ये हम जो पांच टू चेन स्किप करके छठे चेन में हम जो तीन टू बनाते गए हैं वहीं का वो पांचवा चेन अंतिम में बचा हुआ है उसमें हम बनाएंगे कोना निकालेंगे, जैसे इधर कोना निकाले थे वैसे ही इधर भी कोना निकालेंगे। देखिए इधर जैसे कोना निकाले थे तीन टू
3 ठो डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 ठो चेन बनाए थे, फिर 3 ठो डबल क्रोशिया, फिर 3 ठो चेन और फिर 3 ठो डबल क्रोशिया। वैसे ही इधर भी बनाएंगे, पहले यहाँ पे बनाएंगे 3 ठो डबल क्रोशिया, फिर बीच में बनाएंगे और फिर उधर कोना में बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 3 ठो डबल क्रोशिया बना लेते हैं उस चेन में, 1 ठो और देखिए 2 ठो और देखिए तीसरा, 3 ठो डबल क्रोशिया बना लिए। अब 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर अब बीच में 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो 3 ठो और फिर 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3 अब एक कोना पे 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो, इस तरह मेरा इधर से भी कोना निकल गया। अब हम यहाँ पे सीधे इस प्रत्येक होल में हम बनाते चले जाएंगे 3 3 ठो डबल क्रोशिया, कुछ नहीं करेंगे, केवल हम 3 3 ठो डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, 1 ठो 2 ठो 3 ठो। अब इसके अगले वाले होल में भी 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही बना के ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। चलिए हम इसके अंतिम वाले छोर पे मिलते हैं, फिर वहाँ पे भी कुछ अलग बनेगा, केवल कोना पे कुछ अलग बनेगा, उसी को हम बताएंगे। वैसे हमको 5 राउंड कंप्लीट करना है और ये मेरा पहला राउंड है। हम बनाते बनाते कॉर्नर तक पहुंच गए, देखिए यहाँ से हमें स्टार्ट किए थे और यहाँ तक आ गए पूरा राउंड कंप्लीट करके। इसको हम पहला राउंड काउंट करेंगे, जो शुरू में जो चेन के ऊपर बनाए थे उसको हम बेस में ही काउंट करेंगे, उसको हम राउंड वन ही काउंट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सीधे हम स्लिप स्टिच से इसके तीसरे नंबर वाले चेन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ पे हम 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 ठो चेन बनाएंगे लिए। अब यहाँ पे जो होल के जैसा दिख रहा है, यानी जहाँ पे 3 ठो चेन बनाए थे, यहाँ पे हम फिर से कॉर्नर यानी कोना निकालेंगे। तो इसके लिए हम 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो 3 ठो और 3 ठो चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉर्नर निकालना है। तो कॉर्नर दोनों साइड से निकलेगा, इधर भी और इधर भी, और 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी होल में 3 ठो हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो। तो वैसे मेरा कॉर्नर निकलेगा। अब दूसरे कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 3 ठो डबल क्रोशिया हो गया। अब 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे फिर से 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड हम कोना निकाल दिए, अब वैसे ही हम उधर भी कोना निकालेंगे और भी बीच में जो जहाँ जहाँ होल दिखेगा वहाँ वहाँ 3 3 ठो हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए ये होल दिख रहा है, यहाँ पे हम 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे इस होल में, एक ठो 2 ठो 3 ठो। ये मेरा दूसरा राउंड है।
वैसे ही इसको बना लेंगे, और वहाँ पे कोना पे जैसे इधर बनाए थे वैसे ही उधर भी हम बना लेंगे, सेम ऐसे ही बनेगा। यानी इस चेन में, एक चेन में 3 ठो डबल क्रोशिया, 3 ठो चेन, फिर 3 ठो डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले चेन में आ जाएंगे, उधर भी 3 ठो डबल क्रोशिया, 3 ठो चेन और 3 ठो डबल क्रोशिया उधर वाले होल में। वैसे करके दूसरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दूसरा राउंड कंप्लीट करके फिर हम मिलते हैं। चलिए हम इस साइड का भी कोना बना के आपको दिखाई देते हैं, सेम ऐसे ही बनेगा, बट हम इसको अभी दिखा देते हैं और इसके बाद हम कोना पे नहीं दिखाएंगे, एक साइड का ही कोना बना के हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक तो बन गया है, दूसरा और तीसरा। अब 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी चेन में हम 3 ठो डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो और तीन। अब इस कोने पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे 3 ठो डबल क्रोशिया, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो, और उसके बाद 3 ठो चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे 3 ठो डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो। ऐसे ही कोना बनते जाएगा। यानी चेन में हम क्या करेंगे, 3 ठो डबल क्रोशिया, 3 ठो चेन और 3 ठो डबल क्रोशिया की चेन बनाएंगे। ऐसे ही बना के ये राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर कोना पे आके फिर हम आपको बताते हैं कि कोना पे कैसे बनेगा। ये मेरा दूसरा राउंड है जिसको कंप्लीट करके तब हम आपसे मिलते हैं कि देखिए यहाँ पे हम दूसरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद तीसरा राउंड शुरू होगा। देखिए यहाँ से तीसरा राउंड शुरू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हम 3 ठो चेन बनाए थे वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी होल में 2 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक होल में 3 ठो डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं वैसे बन जाएगा, 1 ठो और ये 2 ठो, 2 ठो डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से इसके तीसरे नंबर चेन में हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे हम 3 ठो चेन बना लेंगे। एक दो तीन, 3 ठो चेन बना लिए तो यहाँ से मेरा तीसरा राउंड शुरू होगा। तो यहाँ पे 3 ठो चेन बना लिए तो ये इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और 2 ठो इसी होल में और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे मेरा 3 ठो डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए 1 ठो ये चेन वाले को हम मान लेंगे डबल क्रोशिया, जो 3 ठो चेन बनाए थे उसको, और 2 ठो डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 ठो और 2 ठो। देखिए अब यहाँ पे अब हम कॉर्नर पर आएंगे तो यहाँ पे ऐसे ही कॉर्नर पे जैसे बनेगा 3 ठो डबल क्रोशिया चेन में, 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ठो बना दिए हैं, ये तीसरा डबल क्रोशिया, और यहाँ पे 3 ठो चेन बनाए, 1 2 3, और फिर यहीं पे 3 ठो और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 1 ठो हो गया, 2 ठो और 3 ठो। अब हम सीधे कॉर्नर पे नहीं आएंगे, नहीं तो छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे मेरा लंबाई बढ़ेगा वैसे चौड़ाई चौड़ाई भी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे जो होल दिख रहा है यहाँ पे हम 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ठो दो ठो और 3 ठो बना लिए। अब हम कॉर्नर पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे वैसे ही 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो बना लिए हैं
दूसरा और तीसरा, अब 3 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहीं पे 3 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 2 और 3 2। अब इसके बाद प्रत्येक होल में हम 3 3 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, और यहाँ पे वैसे ही जैसे अभी यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही इधर भी इस साइड भी बनेगा कॉर्नर पे, और बीच में जो होल है उसमें 3 2 डबल क्रोशिया बनेगा, ऐसे ही हम बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तीसरा राउंड कंप्लीट करके फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपना तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम जहाँ पे 3 2 चेन बनाए थे उसके तीसरे नंबर चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, तो ऐसे मेरा तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम 3 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3, अब यहाँ पे मेरा चौथा राउंड शुरू होगा। तो यहाँ पे 3 2 चेन बना लिए, अब ई वाले उसके आगे वाले होल में हम आ जाएंगे, सीधे इस होल में हम 3 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ठो दो ठो और तीन ठो, 3 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब सीधा हम कॉर्नर पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम 3 2 चेन बनाएंगे, सॉरी चेन नहीं, 3 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ठो और 3 ठो, और यहाँ पे 3 2 चेन बनाएंगे, 2 3। अब इसी चेन में हम 3 ठो और डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो, ये मेरा चौथा राउंड है। अब ये कॉर्नर से पहले जितना होल दिख रहा है वो सारे होल में हम क्या करेंगे, 3 3 ठो डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर से पहले 2 ठो डबल होल दिख रहा है तो यहाँ पे 3 3 ठो डबल क्रोशिया बना लेंगे दोनों होल में, पहला होल में 1 ठो डबल क्रोशिया बना लिए, 2 ठो और 3 ठो। देखिए इसके बाद भी 1 ठो होल है, इसमें भी हम 3 ठो डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो। अब हम फिर कॉर्नर पे आ जाएंगे, तो कॉर्नर पे वैसे ही 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो और 3 ठो, और फिर 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहीं पे 3 ठो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह इधर के कॉर्नर का काम मेरा पूरा हो गया। अब ऐसे ही अब क्या करेंगे, प्रत्येक होल में 3 3 ठो डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, और दूसरे साइड के कॉर्नर पे जैसे इधर कॉर्नर में हम बनाए हैं वैसे ही उधर भी बना लेंगे। चलिए चौथा राउंड हम बना के फिर आपसे 5वें राउंड में मिलते हैं। देखिए चौथा राउंड हम यहाँ तक बना लिए हैं, यानी इसके अंतिम भाग तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे 3 ठो चेन बनाए थे वहाँ पे 2 ठो और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो, दो डबल क्रोशिया बना दिए, और इसके तीसरे नंबर चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह मेरा यहाँ पे 3 ठो डबल क्रोशिया हो जाएगा, इस तरह मेरा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3, और मेरा 5वां राउंड शुरू हो रहा है, और यहाँ पे 2 ठो और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ठो 2 ठो, और इसके अगले होल में भी हम 3 ठो डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 ठो
टेंट। अब हम सीधा कॉर्नर पे आ जाएंगे, यहाँ पे 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 बना लिए, 2 और 3। अभी 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना लिए, और यहीं पे 3 और डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 3। एक तरह का कॉर्नर निकल गया, अब यहाँ इसको यह कॉर्नर निकलेगा अंतिम वाला। इसके बीच में जितना होल है सारे होल में हम 3 3 डबल कुर्सी बना लेंगे। 1 2 2 3। इसके बाद भी होल है, इसमें भी हम 3 डबल कुर्सी निकालेंगे। 1 2 2 और 3। इसके बाद भी होल है, इसमें भी हम 3 डबल कुर्सी निकालेंगे। 1 2 2 और 3। अब जाके हम इस वाले कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। मेरा कॉर्नर है, यहाँ पे हम 3 डबल कुर्सी बनाएंगे। 1 2 2 और 3। अब 3 चेन बनाइए, 1 2 3। और फिर यहीं पे 3 और डबल कुर्सी बना लेंगे। 1 2 2 3। देखिए एक तरफ का मेरा कोना बन गया। अब ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट करके, यानी 5वां राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे, और दूसरे साइड भी कॉर्नर में ऐसे ही बना लेंगे जैसे इधर हम बनाए हैं, वैसे ही इधर भी बन जाएगा। चलिए 5वां राउंड कंप्लीट करके फिर हम आपसे मिलते हैं, और हमको 5 राउंड ही बनाना है। तो चलिए हम इसके अंतिम भाग में फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे 5वां राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, यानी बस अब इसको हम इसके तीसरे नंबर चेन से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तीसरे नंबर चेन में। और एक बार और हम चेन के जैसे बना के, और हम क्या करेंगे उनको काट के हटा देंगे। देखिए यहाँ पे उनको काट के हटा दिए, इस तरह मेरा 5 राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको कितना भी चेन का बनाइएगा, ये मेरा 21 चेन का है, 21 चेन का, लेकिन ये 5 राउंड बनेगा ही बनेगा। बेस वाला राउंड है, 5 तो जो बनेगा ही। और उनको पीछे से अच्छे से सिक्योर कर देंगे, और इसके बाद दूसरे कलर का ऊन हम जोड़ देंगे। अब देखिए दूसरे कलर का ऊन हम कोना में जोड़ेंगे, यानी अब हम जो स्टार्ट करेंगे उसको हम कोना से ही बनाना स्टार्ट करेंगे उस डिजाइन का। देखिए एकदम बीचों बीच में कोना में हम उनको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उन पर जोड़ने के बाद। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, यानी एकदम कोना से मेरा स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5, 5 चेन बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, जो 3 डबल क्रोशिया है उसके बाद वाला जो होल है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिए, अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और उसके बाद जो 3 डबल क्रोशिया है उसको स्किप करके उसके अगले वाले होल में हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हम 3 डबल चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसके साथ ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करके उसके आगे वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया स्किप करके वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे उसके होल में। अब हम कोना पे आ गए, तो कोना पे आने से पहले हम 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन बना के 1 2 3 4 5, 5 चेन बना लिए, और एक कोना में स्लिप सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और फिर यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और 3 हम क्या करेंगे, ये स्किप करके डबल क्रोशिया उसके आगे वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमको बनाना है, 5 चेन बनाना है एक बार, उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद 3 बार 3 चेन बनाना है, 1 2 3, और फिर हम स्किप कर देंगे 3 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर एक बार और हम 3 चेन बनाएंगे, और इसके आगे वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यानी 5 चेन बनाने के बाद 3 चेन हमको 3 बार बनाना है, एक एक बार 2 बार 3 बार, और फिर हमको 5 चेन बनाना है, एक दो तीन चार पाँच। अब हम क्या करेंगे, 2 1 होल छोड़ के उसके अगले वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 हम 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, यानी 1 होल स्किप करके उसके अगले वाले होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा चौड़ा है, ये यहाँ तो कॉर्नर यानी कोना नहीं है जो हमें ये स्किप करेंगे, तो यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, और 2 बार जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसको स्किप करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए एक कॉर्नर है मेरा, और उसके बाद 3 चेन बनाए हैं, और फिर 5 चेन बनाए हैं, उसके बाद फिर 3 चेन 3 बार बनाए, ऐसे ही हम बनाते चले गए जिससे डिजाइन उभर के आए। ऐसे ही हमको पूरे में बना लेना है, या कॉर्नर पे वैसे ही बनाना है। तो चलिए, ये वाला राउंड बना के फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए, हम अब बनाते बनाते इस कोने तक पहुंच गए, अब 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5, और यहाँ पे जहाँ से हम कोना के बीचों बीच से स्टार्ट किए थे सिंगल क्रोशिया, उसी में इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए, इस तरह मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब जब फूल निकलेगा, कुछ अलग तरह का फूल निकलेगा जो 4 राउंड में कंप्लीट होगा। और आप इसको जितना फूल इसमें बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं, अगर एक कलर से आप 2 फूल बनाना चाहें तो 2 फूल बना सकते हैं, 4 बनाना चाहें तो 4 बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। देखिए, जैसे हम दिखाते हैं, इसमें हम ब्लैक वाले से 5 फूल बनाए, 1 2 3 4 5, ब्लैक वाले से 5 फूल बनाए, और अंतिम पिंक वाले से 2 बनाए। तो देखिए, एक राउंड मेरा हो गया, अब दूसरा राउंड आपको बता रहे हैं। कोना के बीच बीच से हम शुरू किए हैं, तो देखिए यहाँ पे हम फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे,
कोना के दूसरे भाग में देखा, 3 तो चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट कर लेंगे, यानी ये जो 5 चेन है इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए, यानी दूसरा राउंड मेरा शुरू हो गया। कोना पे ऐसे ही बनेगा, दोनों साइड से ऐसे ही 10 10 डबल क्रोशिया बनेगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कोना के एक साइड तो बना लिए, अब जो यहाँ पे 3 3 चेन बनाने थे 3 बार, तो इसके पहले वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सीधे 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद। बना लिए, अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये दूसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिए, अब 3 और चेन बनाएंगे, 1 2 3, और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सीधे हम कोना पड़े वाले में एक साइड वाले में 5 जो चेन है उसमें हम आके 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जस्ट कोने के दूसरे साइड वाला भी जो 5 चेन बनाए थे इसमें भी 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे।1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो 3 चेन बनाए थे उसके पहले वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, दूसरे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, तीसरा वाला जो 3 चेन बनाए थे उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे जो 5 चेन बनाए थे उसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसके पहले वाला जो हम बनाए थे बनाए हैं ब्लैक उन से जो पहला राउंड, उसमें हमें बताना भूल गए हैं कि जो हम चौड़ाई की तरफ हम 5 चेन एक ही बार डालेंगे, केवल कोना पर नहीं 5 से 5 चेन हम 2 बार डालेंगे। चलिए ये वाला राउंड बना के फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए दूसरा राउंड बनाते बनाते हम कॉर्नर के पास पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे जो 5 चेन है इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3
चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। अब देखिए, अब मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हुआ, दोनों साइड से 10 10 डबल क्रोशिया है बना दिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो तीस तीन टू चेन बनाए थे, उसके तीसरे नंबर चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दे देंगे, तो ये मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे तीन टू चेन बनाना, एक दो तीन, तीन टू चेन बना लेंगे। अब ये सारे पे हम एक एक टू डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे, यानी 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनेगा। इसके हर चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे और डबल क्रोशिया को हम काउंट करते भी चलेंगे, 10 से ज़्यादा डबल क्रोशिया नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो ये 2 ठो चेन बनाए थे, तीन तीन ठो का चेन बनाए थे 2 बार, उसमें पहले वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 ठो चेन बनाएंगे, एक दो तीन। और दूसरे वाले जो 3 ठो चेन बनाए थे उसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और सीधा हम डिजाइन पे आ जाएंगे। जब यहाँ से फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, छठो, सातठो, आठठो, नौ, और 10। देखिए दूसरा कॉर्नर है, इसकी एक साइड का बन गया और दूसरी साइड में भी वैसे ही हम बना लेंगे 10 डबल क्रोशिया। ये वाला बस चेन छोड़ देंगे, जो बीच में चेन जैसा दिख रहा है इसको हम छोड़ के सीधे उसके अगले वाले चेन में जो बनाना हम शुरू करेंगे। बीच बीच का चेन छोड़ देना है, एक ठो, दो ठो, चार ठो, पांच ठो, छह ठो, सात ठो, आठ ठो, नौ ठो और 10 ठो। देखिए इधर साइड का भी 10 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे पहले वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 ठो चेन बनाएंगे, और दूसरा वाला जो 3 ठो चेन बनाए थे इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब सीधा हम डिजाइन पे आते हैं,
डबल क्रोशिया बना लेंगे, ऐसे ही बनाते चले जाएंगे और ऐसे ही बना के हम तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब तीसरा राउंड बना के हम फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए तीसरा राउंड के अंतिम भाग पे हम आ गए। देखिए अब जो तीसरा नंबर चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो इस तरह मेरा तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तब हम फिर से 3 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3, तो मेरा चौथा राउंड शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 चेन और बनाएंगे, क्योंकि अब क्या करेंगे कि ये जो 10 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 10 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसमें 1 1 2 चेन बीच में रहेगा। तो यहाँ पे 3 2 चेन बना लिए हैं, यानी डबल क्रोशिया इसको मान लिया। अब 1 2 यहाँ पे चेन बनाएंगे और उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 चेन बनाएंगे। ऐसे ही हम 10 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे जिसके बीच में 1 1 2 चेन डाल देंगे, यानी हर डबल क्रोशिया के बाद हमको 1 2 चेन डालना है। देखिए यहाँ पे मेरा 10 डबल क्रोशिया हो गया, यानी और सब डबल क्रोशिया के बीच में हम 1 1 2 चेन डाल दिया। 10वां डबल क्रोशिया ऐसे ही रहेगा, इसके बाद हम चेन नहीं डालेंगे। और यहाँ पे जो ये चेन है 1 2 3 2 चेन बनाए थे एक ही बार, उसको हम स्किप करके सीधे हम दूसरे वाले फूल पे आ जाएंगे, यानी दूसरे वाले डिजाइन पे आ जाएंगे। और यहाँ पर भी हम 10 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए पहला डबल क्रोशिया उसको स्किप कर देना है और दूसरे वाले फूल डिजाइन पे आ जाना है। अब 1 2 चेन बना लेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया 1 2 चेन, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर चौथा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन और पांचवा डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर छठा डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर सातवां डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर आठवां डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर नौवां डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर 10वां डबल क्रोशिया। अब चेन नहीं डालेंगे, 10 डबल क्रोशिया हो गया, अब चेन नहीं डालेंगे। और ये मेरा कॉर्नर है। अब हम क्या करेंगे, अब 1 2 चेन हम स्किप करेंगे नीचे का, ये वाला चेन स्किप करेंगे और उसके अगले वाले चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। डबल क्रोशिया और 1 2 चेन,
देखिए यहाँ पे फिर से हम 200 डबल क्रोशिया बना लिए बीच में एक दो चेन देके। अब ये जो बीच वाला जो है इसको हम स्किप करके दूसरे वाले डिजाइन पे आ जाएंगे। बीच वाला जो है इसको ऐसे ही स्किप कर देना है और ऐसे ही हम पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर लिए। आपके बाद स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है तीसरे नंबर वाले चेन। देखिए इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिए यानी एक डिजाइन मेरा कंप्लीट हो गया। तो यही मेरा डिजाइन है और ऐसे ही डिजाइन हम बनाते जाएंगे तो डिजाइन भी बढ़ते जाएगा और इसका लंबाई चौड़ाई भी बढ़ते जाएगा। यानी ये 4 राउंड का ही है डिजाइन। यहाँ से हम शुरू किए थे जहाँ चेन बनाए थे वहां से। लेकिन अब पे क्या होगा कि अब देखिए अब कैसे चेन बनेगा। बस ये वाला राउंड हम आपको बता के फिर हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 तो चेन बना लेंगे। अब फिर से डिजाइन शुरू हो रहा है। देखिए तो डिजाइन शुरू करने के लिए हम 5 तो चेन बना लिए। ये 5 5 चेन हम दोनों साइड से कोना पे बनाएंगे। यानी कोना पे हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे नीचे का पहला राउंड हम बनाए थे वैसे ही। बस इसमें यह डिजाइन निकल चुका है इसलिए अभी पहला राउंड कैसे बनेगा इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो कोना पे दोनों साइड से 5 5 चेन निकलेगा। तो हम बीचों बीच में हैं तो एक साइड का बनाएंगे और अंत वाला में हम दूसरे साइड के बना। अब 2 ठो हम क्या करेंगे डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 3 ठो चेन बनाएंगे। फिर ये 2 ठो हम क्या करेंगे डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 ठो चेन बनाएंगे 1 2 3। फिर 3 ठो चेन बना के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम शुरू में बनाते आए हैं 5 ठो चेन और 5 ठो चेन एक बार और 3 3 ठो चेन 3 बार। तो यहाँ पे 3 बार बना लिए नहीं 2 बार बनाए तीसरा बार। तीसरा बार 3 ठो चेन बना के हम सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे 5 ठो चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 ठो चेन यहाँ पे बनाया उसके बाद 3 बार 3 3 ठो चेन बनाया 1 बार 2 बार 3 बार और फिर 5 ठो चेन बनाया। अब देखिए इधर से 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इधर से 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बाद वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 ठो चेन बनाएंगे 3 3 ठो चेन 3 बार बनाएंगे 1 2 3। एक बार बना लिए और 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे उसके आगे वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दोबारा 3 ठो चेन बनाएंगे 1 2 3। दोबारा 3 ठो चेन बना लिए और 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करके उसके आगे वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और दोबारा हम 3 ठो चेन बनाएंगे और फिर 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करके उसके आगे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 ठो बनाए थे और उसके बाद 3 बार 3 3 ठो चेन बनाए थे। अब हम कोना पे आ रहे हैं तो कोना पे आ रहे हैं तो हम 5 ठो चेन बनाए 3 4 और 5। अब कोना पे आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 ठो चेन स्किप करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो कि कोना है तो दोनों साइड से 5 5 ठो चेन निकलेगा। तो इसलिए फिर से हम 5 ठो चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। 4 ठो हो गया 5। देखिए कोना है तो इधर से भी 5 ठो चेन बनाएंगे और इधर से भी बनाएंगे तभी यह कोना उभर के आएगा और फिर 2 ठो हम
डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3। एक बार 3 ठो चेन बना लिए, अब 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करके अब सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दोबारा 3 ठो चेन उठे बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दोबारा 3 ठो चेन बनाएंगे, फिर 2 ठो डबल क्रोशिया स्किप करके बना लेंगे। ऐसे ही हम बनाते चले जाएंगे। फिर हम 5 ठो चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 ठो इधर का और 2 ठो इधर का, 4 ठो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरे राउंड में बना लेंगे। और इसके बाद जैसे हम नीचे बताए हैं 4 ठो राउंड, तो पहला राउंड ऐसे बनेगा और बाकी राउंड ऐसे ही बनेगा, दूसरा तीसरा चौथा राउंड ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही आप डिजाइन बनाते चले जाइएगा। हम यहाँ पे ब्लैक कलर का 5 ठो डिजाइन बनाए थे, और फिर अंतिम में हम पिंक कलर से 2 डिजाइन बनाए थे। आपको जैसा मन करे वैसा बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।